आज जानते हैं जंगली सुअर के बारे में। जंगली सुअर की एक प्रजाति है जो यूरोप उत्तर पश्चिम अफ्रीका के जंगलों के मूल निवासी है और यह पूरे एशिया में भी पाया जाता है। जंगली सुअर 4 से 25 तक अनुमानित जंगली सुअर उप प्रजातियों की संख्या के साथ एक बहुत व्यापक वितरण वाला जानवर है। स्वाभाविक रूप से उन सभी को वर्गीकृत करना मुश्किल है क्योंकि वे आसानी से अंतःस्थापित हो सकते हैं। इसलिए यह व्यापक रूप से सहमत है कि 4 मुख्य हैं उप प्रजातियाँ जो उनके स्थान से निर्धारित होती हैं। वे सभी आकार और उपस्थिति में बहुत समान हैं, लेकिन उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर रंग में कुछ हद तक भिन्न होते हैं। जंगली सुअर एक अत्यंत अनुकूलनीय जानवर है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जाता है। लगभग कुछ भी खाता है जो उसके मुंह में फिट हो जाता है और न केवल तेजी से दौड़ता है बल्कि अच्छी तरह से तैरता भी है। उन्हें आमतौर पर यूरोपीय जंगली सुअर, हॉग या बस सुअर के रूप में भी जाना जाता है। जंगली सुअर शरीर रचना विज्ञान और प्रकटन। जंगली सुअर एक मध्यम आकार का स्तनपाई है जिसमें एक बड़ा सिर और सामने का छोर होता है जो एक छोटे से हिंद की ओर जाता है। उनके पास फर का एक मोटा और निश्चित रूप से डबल कोट होता है जिसमें एक सख्त चमकदार शीर्ष परत होती है जिसके नीचे एक नर्म अंडरकोट होता है। जंगली सुअर की पीठ के किनारे के साथ चलने वाले बाल भी बाकियों की तुलना में लंबे होते हैं। जंगली सुअर भूरे, काले, लाल या गहरे भूरे रंग में भिन्न होता है जो आमतौर पर व्यक्ति के स्थान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप में पाए जाने वाले जंगली सुअर का रंग भूरा होता है जहां पूर्वी यूरोप के जंगलों में रहने वाले लोग पूरी तरह से काले रंग के हो सकते हैं। जंगली सुअर अपनी बहुत छोटी आंखों के कारण अविश्वसनीय रूप से खराब दृष्टि वाला जानवर है, लेकिन उनके पास एक लंबा सीधा थूथन भी है जो उन्हें गंध की अविश्वसनीय रूप से तीव्र भावना रखने में सक्षम बनाता है। जंगली सुअर वितरण और पर्यावास। जंगली सुअर पृथ्वी पर सबसे व्यापक रूप से वितरित भूमि स्तनपाई है क्योंकि इसकी मूल सीमा पश्चिमी यूरोप से लेकर पूर्व में जापान तक और दक्षिण में इंडोनेशिया के वर्षावनों तक फैली हुई है। 4 अलग अलग उप प्रजातियाँ उनके स्थान के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिनमें से एक यूरोप, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में रहती है, दूसरा उत्तरी एशिया और जापान में पाया जाता है, तीसरा भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहता है, जबकि आखिरी केवल इंडोनेशिया में पाया जाता है। जंगली सुअर उष्णकटिबंधीय जंगलों और घास के मैदानों सहित विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं, लेकिन वे पर्णपाती चौड़े पत्तों वाले जंगलों का पक्ष लेते हैं जहां वनस्पति अविश्वसनीय रूप से घनी होती है। जंगली सुअर का व्यवहार और जीवन शैली। जंगली सुअर निशाचर जानवर हैं जो केवल रात में ही भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। रात की आड़ में भोजन खोजने के लिए जागने से पहले वे दिन के दौरान पत्तियों के घने घोंसले में सोने में लगभग 12 घंटे बिताते हैं। मादा जंगली सुअर अपेक्षाकृत मिलनसार जानवर हैं, जो समूहों में ढीले प्रदेशों में रहते हैं जिन्हें साउंडर्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 से 30 व्यक्ति हो सकते हैं। साउंडर्स में प्रजनन करने वाली मादा और उनके युवा होते हैं और अक्सर अन्य समूहों के समान क्षेत्र में पाए जा सकते हैं, हालांकि दोनों मिश्रण नहीं करते हैं। हालांकि नर साल के अधिकांश समय के लिए अकेले होते हैं, प्रजनन के मौसम के अपवाद के साथ जब वे दोनों साउंडर्स और वास्तव में अन्य पुरुषों की निकटता में पाए जा सकते हैं। नर जंगली सुअर मादा के साथ संभोग करने के मौके के लिए लड़कर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। जंगली सुअर का व्यवहार और जीवन शैली। जंगली सुअर निशाचर जानवर हैं जो केवल रात में ही भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। रात की आड़ में भोजन खोजने के लिए जागने से पहले वे दिन के दौरान पत्तियों के घने घोंसले में सोने में लगभग 12 घंटे बिताते हैं।
मादा जंगली सुअर अपेक्षाकृत मिलनसार जानवर हैं, जो समूहों में ढीले प्रदेशों में रहते हैं, जिन्हें साउंडर्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 से 30 व्यक्ति हो सकते हैं। साउंडर्स में प्रजनन करने वाली मादा और उनके युवा होते हैं और अक्सर अन्य समूहों के समान क्षेत्र में पाए जा सकते हैं, हालांकि दोनों मिश्रण नहीं करते हैं। हालांकि नर साल के अधिकांश समय के लिए अकेले होते हैं, प्रजनन के मौसम के अपवाद के साथ, जब वे दोनों साउंडर्स और वास्तव में अन्य पुरुषों की निकटता में पाए जा सकते हैं। नर जंगली सुअर मादा के साथ संभोग करने के मौके के लिए लड़कर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। जंगली सुअर आहार और शिकार। जंगली सुअर एक सर्वाहारी जानवर है जो मुख्य रूप से पौधों पर फीड करता है। पौधे के मामले में जंगली सुअर के आहार का लगभग 90% शामिल होता है, क्योंकि वे युवा पत्तियों, जामुन, घास और फलों को खाते हैं और अपने कठोर थूथन के साथ जमीन से जड़ों और बल्बों का पता लगाते हैं। अत्यधिक मौसमी क्षेत्रों में रहते हुए जंगली सुअर को बदलते फलों और फूलों के अनुकूल होना पड़ता है, और प्रोटीन युक्त नट्स जैसे एकोन के पक्ष में जाने जाते हैं, जो शरद ऋतु में उपलब्ध हो जाते हैं और उन्हें आगे सर्दियों के लिए तैयार करते हैं। हालांकि वे लगभग कुछ भी खाएंगे जो उनके मुंह में फिट होगा, और अंडे, चूहे, छिपकली, कीड़े और यहां तक सांप खाकर अपने आहार को पूरक करेंगे। जंगली